श्रीकृष्णगन्हैया लालकी जय श्रीनिजानन्दस्वामी की श्रीप्राणनाथ प्यारे किम् ता जरो नरे हुकुमा श्री कृष्ण लाल की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के आदेश का महत्व समझा रहे हैं वो कितना महान है तो सब कुछ आपके हुक्म से होता है आपके हुक्म के बिना आपके आदेश के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है ये बता रहे हैं जे की थे यो शे जे की के ओ जो कुछ किया गया से हुम वो सब आपके हुक्म से ही आपके हुक्म ने में, हुक्म ने ही किया से हुक्म आहत थे यो वह हुक्म आपके हाथ में होता है कै तो है ही का जरो एक जरा सा भी थोड़ा सा भी रे बिना तो हुक्म आपके हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं है आपके आदेश के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है आए न कोए बेओ न कोए बेओ दूसरा दूसरा कुछ भी नहीं है आपके हुक्म का अतिरिक्त दूसरा कुछ भी जरा सा भी नहीं इस अर्थ में ताकि तो के से थे यो तो के थिए थो तो के आपने किया से थे थे यो वही हुआ जो आ... जो आपने किया वही हुआ है तो के थिए थो जो कुछ आपने किया है उसी के अनुसार थिए थो हो रहा है थिंदो से पणा तो के थिंदो जो होगा वो भी आपका ही किया हुआ होगा तोरे को तोरे आपके बिना की को कहीं भी कोई नहीं है आपके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं सब कुछ आप का ही है कहने का तात्पर्य ही है के को मुंह ई बुझियो मुंह के बुझाई तो इलम के का मुंह ई बुझियो निश्चित रूप से मुंह मैंने तहे के निश्चित रूप से ई बुझियो ये समझा मुंह के बुझाई तो इलम तो मुझे समझाया बुझाई समझाया तो इलम आपके ज्ञान ने तो मुझे इतनी समझ आई तो भी वो आपके ज्ञान से ही है थे थो जे थिंदो से हल चल सब ये काल में ये कहते जो हुआ थिए थो हो रहा है और जे जो होगा जो हो रहा है जो होगा वह सब आपके हिसाब से ही है वो सब आपके हुक्म के कारण से ही है थे थो जे थिंदो से हल चल सब हुक्म थे जो कुछ हुआ थिए जो कुछ हो रहा है होता है जे थिंदो जो कुछ होगा से हल चल सब हुक्म वो हलचल का तात्पर्य जो कुछ भी चलाए मान है क्योंकि चलाए मान है तभी तो था और है और होगा ये होता है काल है तो तो उसमें ये परिवर्तन है तो जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो सब हुकुमा, वो सब आपके आदेश के अधीन है आपका आदेश ही है ऐहड़ो बड़ो कोन नारी नारिये संभारे ऐहड़ो बड़ो मुंधनी मेरे धनी इतने महान है इतने बड़े हैं को ना नारिय है संभारे को का अर्थ क्यों ना नारिय नहीं देखते हैं संभारे संभारना याद करना तो इतने महान धनी हैं फिर भी आप हमें देखते भी नहीं है और याद भी नहीं करते हैं ऐसा कहना चाह रहे हैं वेण सुनाइए वल्ला तो हे व्लाहा हे स्वामी हे धनी वेण सुनाइए आप वचन सुनाए मधुर मधुर वाणी सुनाइए मुँह सामो नारे मेरे सामने नारे देखिए तो मेरे सामने देखिए और कुछ मधुर मधुर बातें सुनाइए वेण वेणु अर्थ भी करते हैं किंतु यहाँ पर वेण वचन अर्थ में है तो सुनना और देखना है ना तो मेरे सामने आप देखिए तो मैं आपके दर्शन भी कर सकूं और आपकी वाणी भी सुन सकूं। धनी को न करो मुँह दिल जी आऊँ अटका थी इन गाल तो धनी संबोधन में है हे धाम धनी को न करो मुँह दिल जी को क्यों न करियो नहीं किया मुँह दिल जी मेरे दिल के अनुरूप मेरी भावना के अनुरूप क्यों नहीं हो रहा है क्यों नहीं किया आपने आऊँ अटका थी इन गाल मैं बस इसी बात पर अटकी हुई हूं तो यही दिमाग में घूमता रहता है धाम धनी मेरी अभिलाषा क्यों पूर्ण नहीं कर रहा है तू पूजे सबने गालिये तू पूजे सबने गालिये सबने मतलब सब प्रकार की बातों में आप पहुंचने वाले हैं कहने का तात्पर्य जैसे गुजराती में बोलते हैं ना पहुंची बड़ी मतलब सब कर पाऊंगा तो जो भी बातें होंगी तो वो करने में आप समर्थ हैं आप सब प्रकार से समर्थ हैं आऊ की तरसा है ना हाला तो आऊ की तरसा क्यों व्याकुल हाला इस, इस परिस्थिति में तो मुझ मैं क्यों व्याकुल हो रही हूँ मुझे क्यों व्याकुल होना पड़ रहा है आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं तो आप तो कहीं भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं तो मेरी भावनाओं को भी पूर्ण कर दीजिए ये कहना चाह रहे हैं जे आओ मगा सऊर से तांजे मंगा बेअकल जे जो अथवा यदि यदि आओ मगा शहूर शहूर में आऊ मैं मगा मांगू सौर में समझ करके समझ विचार करके मैं आपसे मांग लूं अथवा तो तांजे अथवा मंगा बेअल बिना विचारे ही मांग लो समझ करके मांग लो या विचारे, बिना विचारे मांग लो सबे तो पारण लाड़ सबे सब लाड़ को तो, तो पारणा आप तो पारणा आप पूर्ण करने वाले आप है आपको पूरे करने ये अर्थ में समझना होगा जे अच्छे मुंजे दिल जे मुंजे दिल अच्छे जो मेरे दिल में भावना पैदा होगी को, कोई भी आशा हो अपेक्षा हो उम्मीद हो अभिलाषा हो तो उनको पूर्ण करना तो आपको ही तो है दूसरा कौन आकर पूर्ण करेगा दिल चाहे मुहे कड़ी को न लख गुणी दिल चाहे मुँह ही कड़ी मुँह मुँ मुझे अथवा मेरा किस किसी भी अर्थ में लगा सकते हैं तो मेरे दिल में ये एक ही चाहना कड़ी का तात्पर्य एक तो मेरे दिल में तो एक ही चाहना है को न पारिए लख गुणी को न पारिए क्यों नहीं पूर्ण करते लख गुणी उसको लाख गुना मैंने एक चाह तो उसको लाखों गुना आप पूरा कर देते ऐसा क्यों नहीं करते तू की ली के मुँ थी मुँह जेड़ो मुँह धनी तू तू आप अर्थ में की ली के थी की लिखे क्यों छिपते हैं मोह थी तो मु, मु, मुँह मुँह से क्यों छिपते हैं कहने का तात्पर्य जैसे अंग्रेजी में फेस सेविंग बोलते हैं ना तो आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं तो आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं तू जेड़ो मुँह धनी आप जैसे महान धनी मेरे आप जैसे महान मेरे स्वामी हैं मतलब आप तो ऐसे महान स्वामी हैं तो फिर इतने समर्थ हैं तो मुझसे क्यों मुँह छिपाते हैं सामने आइए आऊं धनियाणी धनियाणी तो ही जी मुँह घर जी शाह मऊ मैं धनियाणी स्वामी ने अर्धांगना मैं तो आपकी अर्धांगना हूं तो ही जी मु घर अर्ष अजिम मेरा घर परमधाम है मु कोड़ी उम्मीदों बड़ी मु कोड़ियों उम्मीदों करोड़ों उम्मीदें अभिलाषाएं बड़ी हूँ बहुत बड़ी बड़ी मेरी तो बड़ी बड़ी करोड़ों अभिलाषाएं हैं तू पे कोड़ गड़ियों को नडियम तू तो ते आप उनको कोड गोड़ों गुणा को नियम क्यों नहीं देंगे मेरी अभिलाषाएं भी करोड़ों हैं तो उनको करोड़ों गुना बना करके पूर्ण कर आप क्यों नहीं करेंगे तो अवश्य करेंगे तो आप ही तो करने वाले हैं तो भाइयों हे उम्मेदू मगंदियों तो भाइयों तो आपको पता चल गया तो भाना तो जैसे सामान्य रूप से तो भाना मतलब तो अच्छा लगना ये होता है अब यहाँ है ज्ञात होना उस अर्थ में तो आपको ज्ञात हो गया है हे उम्मेदयों मगंदियों हे यह तो यह कहने से ना आत्मा के लिए अपने लिए इंद्रावती के लिए वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग पता चल गया है कि हे उमेदियों मगंदियों तो इंद्रावत इंद्रावती के लिए इंद्रावती उमेदियों मगंदियों अपने अभिलाषाओं की मांग करेगी अभिलाषाएं पूर्ण हो उसकी मांग करेगी चाहेगी तो वो आपने जान लिया है नयू नयो दिल धरे और उस, उसकी पूर्ति के लिए दूसरा चरण है नयू नयू दिल धरे नई नई अभिलाषाएं दिल में धारण करके ये कुछ न कुछ मांगती रहेगी ऐसा आपको लगा आप जान गए हैं इन जिमी द्रापदियों द्राउपियों आउ डिंदुस किया करे जी जिमी न द्रापदियों, इस भूमि में न द्रापदियों तृप्त नहीं हुए हैं कोई कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हुए हम ही क्या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हुए हैं आओ डिंदु किया करें तो आओ मैं डिंदु दूंगा किया करें किस प्रकार ये तो मांगती रहेगी दुनिया में किसी को तृप्ति मिली नहीं है इसलिए मैं इसको क्या क्या दूंगा तो शायद आप ये जान गए होंगे इसलिए मुँह छिपा करके बैठे हैं वो अपना एक भाव व्यक्त कर रहे हेडो जाने जानी दिल में पेरो ढंग के द्वार हेडो जानी दिल में हेडो ऐसा जानी जानकर दिल में आपने दिल में ऐसा ठान करके ये समझ करके पेरोई पहले से ही ढंग के द्वार दरवाजे ढक दिए बंद कर दिए हैं अपने पहले से कोई मांग ही ना सके इसलिए आप ही नहीं रहे हो और आ, कुछ बात सुना नहीं रहे हो तो हमें लगता है कि आप तो हमारे सामने आए हाँ ही नहीं तो मांगेंगे क्या तो ये समझ करके ही आपने पहले से दरवाजे बंद कर दिए हैं न कि सुनाइए गालड़ी न तो कोई बात सुना रहे हैं ना कि दिए दीदार ना आप दर्शनी दे रहे हैं आप पहले से छिप गए इसका कारण यही है अपने तरफ का दरवाजा ही आपने बंद कर दिया तो ये कहने का तरीका है तो आपको पहले पता चला कि इसकी मांग तो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है तो इससे अच्छा तो मैं पहले छिप जाऊं देखो ही नहीं तो क्या मांगेगी ते, ते दर के मूरजो आशा आंखे करने डिन्ने पट, ते धर दर का मूल जो ते ते तो अब या इसलिए अर्थ में होता है ते दर ढंग के मोरजो मूरजो दर ढंग के मूल से ही दरवाजे बंद कर दिए इसलिए आपने मूल से ही दरवाजे बंद कर दिए किस प्रकार के दरवाजे तो असा आंखे कन्ने डिन्ने पट असा हमारे आंखे आँखों में और कन्ने कानों में डिन्ने पट आवरण डाल करके हमारे न तो हम आपको देख सकते हैं और न ही आपकी बातें सुन सकती हैं इसलिए पहले से ही आवरण डाल करके आपने मूल से ही अपने तरफ का दरवाजा तो बंद कर दिया तो भाइयों दियो घनी परे बैठी जानी बट तू तो भाइयों आप समझ गए घुरद्यू घनी पर दियो मांगेंगे घनी परे अलग अलग प्रकार से ये मांगते रहेंगे ऐसा ये आत्मा मांगती रहेगी ऐसा आपने पहले से समझ लिया इसलिए बैठो जानी बट तो ऐसे आप बैठो बैठ गए जानी ये जान करके बट तो पास में ही आप पास में ही बैठे हैं फिर भी आप समझ गए कि ये तो बहुत मांगने वाली है ऐसा करके आपने अपना दरवाजा बंद कर दिया तो दूसरा अर्थ ये भी होगा कि ये पास में बैठ के यदि मैं सब कुछ दिखा दूं तो ये तो मेरे सामने बैठ कर के मांगती रहेगी इसकी मांग कभी पूरी होगी ही नहीं ऐसा समझ करके आपने हमारे कान आंखों में आवरण डाल दिए इसलिए आपका रास्ता पहले से बंद कर दिया तो ये एक दूसरे से चौपाया लिंक है रूए ही न जिमी में द्रापे न के भत्त तो रूहें तो ब्रह्म आत्माएं ही जिमी में इन जीमिय में इस भूमि में द्रापे द्रापे न के भत द्रापे द्रापना मतलब तृप्त होना द्रापे न मतलब तृप्त नहीं होती के भत किसी भी प्रकार से किसी भी भांति तो इस दुनिया में तृप्त होने वाली नहीं है क्योंकि ये दुनिया आत्मा को तृप्त करने के लिए है ही नहीं तो मात्र देखने के लिए है इससे तृप्ति नहीं मिलेगी इंजानी ली के मुँह थी हियड़ो के यहाँ सखत जानी ऐसा जान करके ली के मुँह थी मुंह छिपा करके मुंह ढल अब तो य, य, ये समझ करके आप मुँह छिपा रहे हैं आपने मुँह छिपाया हियड़ो के यहाँ सखत और हृदय को भी हियड़ो हृदय को भी के आ किया सखत कठोर तो आपने हृदय को कठोर बनाया और हमसे छिप गए हे पट मुनारिमा मुँह नारी तो हे पट ये पर हे पट ऐसा पर्दा ये पर्दा डीसी देख कर मुँह नारी तो नारिम तो देखा ही अर्थ होता है किंतु अभी यहाँ जाना विचार किया उम्मीद न आशा कोई तो मुझे लगा कि ना आशाएं और ना उम्मीद ना नाविलासाएँ कुछ भी नहीं है तो मैंने ऐसा सोच लिया जगाइए ते वक्त मथा डिनने डीह पुझाए जगाइए ते वत अपना ऐसे समय में हमें जागृत किया और हमें समझाया कि मथा दिनने डी पुझाए मथा डिनने डीह का मतलब दिन मथा दिनने सिर देने के दिन आ गए तो मतलब कहने का तात्पर्य है ये सिर देना मतलब सिर मिटाना बलिदान देना इस अर्थ में नहीं है तो सिर आ, देने का तात्पर्य है उस रास्ते पर चलना उधर की ओर चलने का समय हो गया तो सिर देने का उधर की ओर मुंह करके आगे बढ़ने का धाम में जागृत होने का समय हो गया है ऐसे समय में आपने हमें दुनिया में जागृत कर दिया मुँह घर हरस अजिम नूर जमाल मुँह कांध मेरा घर तो दिव्य परम धाम है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे स्वामी हैं लाड़ पारण मुहजा मेरे लाड़ को पूर्ण करने के लिए मुँह कारण के राई मेरे लिए ही ये खेल बनाया मेरे धनी परमधाम के हैं उन्होंने वैसे तो मेरे लिए ही ये खेल बनाया है तो इस प्रकार बता रहे हैं अभी के प्रसंग को यही रखते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कारण के राध

के oh, राद